लगता है विद्या बालन पूरी तरह से घनचक्कर हो गई हैं, लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं। अगर आप खुद विद्या की इन हरकतों को देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि वाकई विद्या पूरी तरह से घनचक्कर हो गई हैं। तभी तो वो इमरान के पीछे से चुपके से आकर उन पर अपना फर वाला मफलर डाल देती हैं और फिर उन्हें अपने फिल्म वाले स्टाइल में ड्रेस कर देती हैं। अमित शाह, अच्छा गलत लिखा है उन्होंने। माधुरी दीक्षित नहीं, माधुरी तुम्हारी याददाश्त के साथ ना तुम ब्लाइंड भी हो गए हो। सॉरी, ललिता गुप्ता। गुप्ता पंजाबी है, है? मैं सोच रही थी मेरे अच्छा कौन ठूसने वाला है, आई मीन कौन खाने वाला है। वैसे विद्या यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने इमरान के साथ साथ वहां मौजूद अपनी फीमेल फैंस को भी अपने घनचक्कर वाले रंग में रंग ही दिया। एंड आई एक्चुअली इवन द पिंक फेदर्स, तो मैं फॉर मी बोथ ऑफ यू आर विनर्स, बट ड्रेस पे फूल बड़े अच्छे लगते हैं। नहीं तो तुम जज नहीं कर सकती हो, यू आर अ फैशन डिजास्टर, बैठो। नहीं नहीं, आइए आइए आइए, इन्होंने जीत लिया, आइए। मैंने तुम्हें फैशनेबल बनाया। कम हाँ, देखा है जो नाइट सूट पहन रहा हूँ मैं फिल्म में। इस तरह नहीं, दूसरी लड़की का हाथ पकड़ कुछ देने वाले हो कि नहीं, या कुछ सस्ते में पड़ रही है बात यहाँ पे। आप यहाँ जाओ। और तो और विद्या यहाँ अपनी एक फैन को फैशन टिप्स देने और ग्रूम करने की बात पर अड़ गई। पर मेरे पास आया करो, मैं तुम्हें ग्रूम कर दूँ। कभी मत जाना, कभी मत, पत्थर पड़ेंगे रास्तों पे, सड़कों पे। आ जाओ बैठो भाई, पत्थर में उठा उठा के लगा। आ जाओ हाँ बताए। लेकिन ये क्या, विद्या बीच में ही खड़ी हो गई नाचने के लिए। लो कर लो बात, इमरान ने तो उनके साथ डांस करने से मना कर दिया, पर कोई नहीं, अपने डायरेक्टर साहब कहाँ तक बचेंगे। और बस विद्या ने अपने घनचक्कर गुरु राजकुमार गुप्ता के साथ किया डांस। वह विद्या, इसे कहते हैं सही स्टाइल में घनचक्कर होना। बॉलीवुड कंट्री रिपोर्ट। जाइए जाइए। शादी तुम्हारी मुझसे हुई है।